तो एक पिता का क्या कर्तव्य होता है, कर्तव्य का ज्ञान होना बहुत जरूरी। हम पिता हो गए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है। जो घटना हुई तो हम लोगों ने आँख नहीं बंद करी, आँख खोल कर हमने चला सड़क पे और न्याय के लिए दर दर दौड़ना पड़ा, भटकना पड़ा, लेकिन भटके और न्याय पाए। तो हमारा एक पिता का दायित्व तो क्या है वो हमें समझने की ज़रूरत है। तो उन पिताओं से हमारी ये अपील है कि बेटा बेटी में फ़र्क मत रखो, अपने दायित्व को समझो। आपने दो बच्चे अगर बेटा या बेटी पैदा किए हो तो दोनों का अधिकार बराबर है, वो तुम्हारी जिम्मेवारी है कि अपने बराबरी का दर्जा दो और उसके अपने कर्तव्य को समझो, पिता का रोल निभाओ पूरी तरह से। आज गुजरात बराबर हो। इस बात का गर्व है कि मैं निर्भया की माँ हूँ। आज निर्भया के नाम से दुनिया मुझे जानती है और मुझे दुनिया की आंखें आज आपको देख रही है और आपसे संदेश सुनना चाहती है, क्या संदेश देना? तो मैं सबसे पहले अपने पूरे देश के महिलाओं से, बच्चियों से, पुरुषों से, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो सोशल मीडिया से जुड़े थे, हमारे साथ खड़े थे। मैं देश के बच्चियों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत आज का दिन निर्भया के लिए दिन ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं का दिन है, न्याय का दिन है, सुरक्षा का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। इस दिन को हम कितनी भी व्याख्या कर लें कम पड़ जाएगा, क्यों कि आप जहां से भी आपको खबर मिलती होगी हर जगह से एक ही होगा कि निर्भया को आज न्याय मिल गया, हम खुश हैं। सभी लोग इस बात को कहेंगे, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इस इनको फांसी होने से दुखी होंगे, वो भी उनके माँ बाप होंगे, उनके वकील होंगे। लास्ट मोमेंट्स में जो पूरे कोर्ट रूम का जो चला, पहले पटियाला, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, जिस तरह से पूरे लास्ट मोमेंट तक उन लोगों को बचाने की कोशिश, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए उनका, देखिए वकील हैं, उनका काम है और इससे हमें दुखी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बचा रहे हो तो तन मन धन से बचा रहे हो, तो वो अंततः लड़े हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमारे वकील भी तो लड़ते रहे, हर पल हर वक्त खड़ा रहे हमारे साथ, कोर्ट में रहे, जहां हम रहे वहां रहे, तो दोनों तरफ से बराबरी का मुकाबला था, लेकिन अंततः जीत हमारी इसलिए हुई कि हम सत्य के तरफ थे और वो असत्य के तरफ थे। एक आखिरी सवाल, जो आज के दिन का फैसला आया है, क्या लग रहा है इंडिया की परिस्थिति बदलेंगे स्पेशली, क्या लग रहा है? हाँ, अब थोड़ा सा ये पेचीदा है कि क्या ये सिस्टम में बदलाव हो जाएगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ऐसे नहीं कि आज निर्भया को न्याय मिल गया, हम चुपचाप घर में बैठ गए तो न्याय नहीं मिलेगा, फिर यहीं कहीं धरा रह जाएगा। लेकिन हम लोगों की जो सोच है इसके आगे क्या है बता देता हूँ, 2 दिन 4 दिन 10 दिन के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने वकीलों से मिल करके हमारे जो शुभचिंतक हैं या जो अच्छे अच्छे लोग हैं जो समाज का ज्ञान रखते हैं उनको इकट्ठा करके बैठ करके आपस में डिसीजन लेंगे कि 7 साल में हमने जो लड़ाई लड़ी है एक निर्भया के लिए वो तो कानूनों में कहां कहां कमियां है, उसको लिस्ट बना करके मीडिया में सबसे पहले बताएंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद हम जा करके सरकार से कहेंगे कि इसे कमियां इसको बदलो, और हम चाहे जैसे भी करना पड़े, चाहे मंत्री से मिलना पड़े, किसी से मिलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, करके इसको कराना है, तभी जाकर देश की महिलाओं के लिए एक अच्छा रास्ता भी मिलेगा, सुरक्षा का रास्ता मिलेगा और हमारी लड़ाई भी जाकर सही मायने में। पुरुषों को आज कितना डर लगेगा जो इस तरह की घटनाओं में शामिल रहे, रेप की, जो कर चुके हैं, जिनको सजा भले ही नहीं हुई हो लेकिन लोगों को पता है कि वो ऐसे हैं। देखिए वो 10 दिन तो खाना नहीं खाएंगे ढंग से, 10 दिन सोएंगे भी नहीं, क्या पता कब कौन सी तलवार उनके ऊपर लटक जाए, क्योंकि गलत हमेशा ही गलत होता है। तो उनके लिए क्या हम कहें, लेकिन उनके मन में जो डर का पैदा हुआ होगा वो आज अभी 5:30 बजे उनकी फांसी हुई, यही उनके लिए बहुत बड़ी मैसेज की बात है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो आज इन 4 लोगों को फांसी हुई है वो मैसेज भारत के गली गली कोने कोने गांव कस्बे तक पहुंचना चाहिए ताकि वो डर हर एक गली में उस आदमी को हो? बिल्कुल पहुंच गया है, हम लोग तो यहाँ जगह है ना, दिल्ली में जगह है तो शहर है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम जगह है, लेकिन आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से गांव भी जगा हुआ है। हमारे गांव से अभी सुप्रीम कोर्ट से जैसे निकले हम लोग, खबर मिली कि हम लोग आज होली मना रहे हैं,
पटना से खबर आई कि हम लोग आज होली मनाएंगे, सासाराम से खबर आई कि होली मनाएंगे, तो तमाम जगहों से खबर आई, पंजाब से खबर आई कि हम लोग आज खुश, बहुत खुश हैं, कुछ अलग करेंगे। तो पूरा देश जहां खुश है, शहर नहीं बल्कि गांव गांव में पहुंचा हुआ है, और सच्चाई में है कि सबकी ये जीत है और सब लोग खुश हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 5:30 बजे का वक्त, एक सेकंड आप तो हमेशा करते हैं, वहाँ पे भी किए थे आपने गुजरात में, कोई एक जने कर लो फटाफट कर लो सिंगल। सर, आज के जो पूरे राय है, क्या बोलना चाहेंगे आप पिता होने के नाते, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, निर्भया के पिता को